हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शीतू और स्वागत है आपका सीतू फैशन एंड ब्यूटी पे, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए लेटेस्ट फैशन वीडियोस एंड स्टाइलिंग आइडियाज जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ट्रेंड की जो कि एथनिक वेयर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और अगर अभी तक आपने इन्हें ट्राई नहीं किया है तो डेफिनेटली आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और अपकमिंग और ज़्यादा ट्रेंड में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नीचे दिए वाला आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि जब भी मैं इसी तरह के और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले आता है टाई एंड डाई सूट। तो डाई किए हुए सूट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है इस टाइम पे। बेसिकली ये, अगर हम गर्मियों के सीज़न की बात करें तो कॉटन के फैब्रिक में डाई किए हुए सूट काफ़ी ज़्यादा इस समय ट्रेंड में आ गए हैं, ट्रेंड में काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। और अगर अभी तक आपने इन्हें ट्राई नहीं किया है तो डेफ़िनेटली आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें कर सकते हैं, खुद डाई कर सकते हैं या फिर करवा सकते हैं, और अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप इनमें कलर्स ले सकते हैं, डिफरेंट शेड्स में, डिफरेंट कलर में। ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी हो रहे हैं इस टाइम पे। तो डेफ़िनेटली ये सूट्स में, एथनिक वेयर के साथ साथ वेस्टर्न वेयर में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी हो रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने इन्हें ट्राई नहीं किया है तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं इस सीज़न। नेक्स्ट है ओम्ब्री सूट। ये भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी हो रहे हैं, और बेसिकली ये ऐसे सूट होते हैं जो कि एक ही फैब्रिक में या एक ही सूट में आपको दो से ज़्यादा कलर देखने को मिलते हैं। तो शेड्स में होते हैं, जैसे कि इस तरीके का एक डार्क शेड होगा, फिर नीचे लाइट शेड, या नीचे लाइट शेड होगा, ऊपर डार्क शेड। इस तरीके से एक ही फैब्रिक में या एक ही आपको सूट में दो तीन शेड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके के सूट्स भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी हो रहे हैं इस टाइम। अगर आपने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं इस साल। नेक्स्ट गाइस, कॉटन सूट्स हमेशा से ही ट्रेंडी रहते हैं, बट इस बार अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो बहुत सारे डिफरेंट प्रिंट्स में ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी रहने वाले हैं। तो आपको बोल्ड प्रिंट में भी, इस तरीके से बड़े बड़े जो फ्लावर होंगे या फिर बड़े बड़े लीव्स वाले जो प्रिंट्स होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी रहने वाले हैं। फ्लोरल प्रिंट हमेशा से ही ट्रेंडी रहता है, लेकिन इस बार या तो बहुत ही स्मॉल टाइप के छोटे छोटे इस तरीके के प्रिंट्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी हैं, और इसके अलावा आप बोल्ड प्रिंट में भी इस तरीके से बड़े प्रिंट भी आप देख सकते हैं। डॉट प्रिंट्स भी हमेशा ट्रेंडी रहता है, बट इस तरीके के बड़े वाले डॉट्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी हैं कॉटन सूट्स में। एंड इसके अलावा आप ज्योमेट्रिक प्रिंट्स या फिर डिजिटल प्रिंट्स भी काफ़ी ज़्यादा इस बार ट्रेंडी हो रहे हैं। तो कॉटन सूट्स के अलावा और भी डिफरेंट जो फैब्रिक है उसमें भी आपको इस तरीके के प्रिंट्स काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो अगर ये प्रिंट्स अभी तक आपने ट्राई नहीं किए हैं तो डेफिनेटली आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। सो गाइस, नेक्स्ट जो सूट है जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है वो है कटवर्क वाले सूट्स। तो सिल्क फैब्रिक में ये कटवर्क वाले जो सूट हैं, जिनकी साइड्स में कुछ वर्क के साथ साथ कटवर्क आपको देखने को मिलेगा, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है। दुपट्टे के साथ ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर अभी तक आपने इसे ट्राई नहीं किया है तो सिल्क के फैब्रिक के अलावा भी आपको और भी फैब्रिक में मिल जाएगा, बट इस टाइम पर सिल्क फैब्रिक में ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडी है। तो डेफिनेटली आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ सूट्स के ट्रेंड थे जो कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में देखने को मिल रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने इन्हें ट्राई नहीं किया है तो आप ज़रूर इनको ट्राई कर सकते हैं इस सीज़न, और अभी ये काफ़ी टाइम तक और ज़्यादा ट्रेंड में रहने वाले हैं। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड गाइस, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।